So the maximum tension in the belt on the pulley B is 2.5 किलो न्यूटन. जो पुली बी है, सो मैक्सिमम टेंशन जो है वो 2.5 किलो न्यूटन की है, और द एंगल ऑफ रेप फॉर बोथ द पुलीज 180 डिग्री का है. एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बेल्ट जो पुली के ऊपर कांटेक्ट में है, ये वाला एंगल, यहाँ से बेल्ट ऐसा है इस पुली के ऊपर, तो ये बेल्ट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 180 डिग्री. और कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.24 है. द शाफ्ट इज मेड ऑफ, ये शाफ्ट का मटेरियल है प्लेन कार्बन स्टील 30C8. यील्ड स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है. तो स्ट्रेंथ बेसिस पे हमें शाफ्ट का डायामीटर फाइंड आउट करना है, इस शाफ्ट का डायामीटर. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. मैं फिगर बना लेता हूं. आप लोग भी बना लें. ठीक दोनों पुली के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 600 है, और बियरिंग से लेफ्ट हैंड पुली का डिस्टेंस 200, और राइट बियरिंग से जो राइट पुली का डिस्टेंस है वो भी 200 mm का है. दिस इज बी ए बी सी डी. मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स 2.5 किलो न्यूटन की, यील्ड स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का है, प्लेन कार्बन स्टील इज देयर, म्यू 0.24 का है, एंड पुली वेट इज गिवन, नो पुली वेट इज नॉट गिवन है, थीटा 180 डिग्री दोनों केस में. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इस डायामीटर देने के. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. बैकग्राउंड विजिबल है आपको? ठीक है. यस सर. तो ये अब इस डाया इसमें जो है, यर वेट ऑफ द पुली इज नॉट गिवन, आइदर पुली बी और पुली सी दोनों का वेट गिवन नहीं है हमें. ठीक है,
So let us solve this. सर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है. हाँ सर, प्लेन कार्बन स्टील के केस में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4-6 लेते हैं ना. नहीं, डिपेंड करता है एप्लीकेशन. ओके सर. फॉर रिवेट्स इट विल डिफर. फॉर क्वार्टर जॉइंट अलग होगा. फॉर शाफ्ट्स डिफरेंट होगा. कपलिंग्स डिफरेंट होगा. नकल जॉइंट इट विल वेरी. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन आल्सो, किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि शाफ्ट पे लोड कहां पर है ज्यादा, है ना. वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ हेवी लोडिंग. ठीक है. सो विल ट्रीट दिस एज अ बीम. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. सो दिस इज द केस. नाउ अब यहां पे दो केसेस हैं. देयर आर टू लोडिंग्स, लोडिंग्स इन टू प्लेन. वन इज दिस लोडिंग इज इन वर्टिकल प्लेन जो कि बी शाफ्ट पर है. बी वाली पुली जो है वो वर्टिकली रिसीव कर रही है. तो इसमें जो लोडिंग हो रही है यहां पर एट दिस पॉइंट वर्टिकल लोडिंग है. वाइल यहां पर यदि हम बात करें सी पर, सो द लोडिंग इज हॉरिजॉन्टली. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लोडिंग है. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी. दिस इज अवर टास्क. ठीक है. नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट बी इज ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट सी. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग. देन विल हैव रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट यूजिंग दिस रिलेशन एट बी. सिमिलरली द बेंडिंग मोमेंट एट सी. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट सी ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग एंड देन द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट सी. Using this relation. ठीक है. Because we have to ultimately find out the M equivalent and T equivalent. So for that we need to have M resultant bending moment and resultant turning moment. ठीक है. So for calculating the bending moment, now we have to find out MBV and MBH. MCV and MCH. ठीक है. सो फॉर कैलकुलेटिंग द MBV एंड MCV विल फर्स्ट कंसिडर द लोडिंग इन द वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन लोडिंग. ठीक है. सो लेट्स कैलकुलेट. So this is our beam representation. The load is vertical load. This is point B and here there is a horizontal load C point. This is point B. Here the load is WB. Okay, WB. This is RA. This is RD. Since this point is D, this point is A, the distance between this is 200, this is 600, and this is 200. Okay, now WB
is equal to sum of tension on tight and slack side plus self weight, that is weight of the pulley. Same is for WC. So here WB, we have this P1 plus P2, the sum, this plus self weight. So self weight is not given, so we'll neglect this term. So WB is P1 plus P2. So let's find out P1 plus P2. So since here we have to determine P1 and P2, and we have the maximum tension in the belt. So the maximum tension in the belt is 2.5 kilonewton. So now the task is to determine P1 and P2. So we need to have another relation. So in the belt drive, there is a ratio of tension. Say P1 is the tension on the tight side and P2 is the tension on the slack side. Then the ratio P1 upon P2 is equal to e to the power mu theta, where mu represent the coefficient of friction between the belt and the pulley, and theta is the angle of lap, that is angle of contact. Jo belt pulley par hai, uska angle yahan par. So that is 180 degree in this case. So this is one relation, and also the maximum tension is given. So the tension on the tight side is greater than the tension on the slack side. So the maximum tension in the belt drive is on the tight side. So this 2.5 kilonewton is nothing but P1. So this is equal to 2.5 kilonewton. Now we have to determine P2. So we'll use this relation. So P2 is equal to P1 upon e to the power mu theta. So this is equal to 2.5 divided by e to the power mu, that is 0.24, into theta. Theta is 180 degree upon pi. So in radians, theta should be in radian. Now calculate this and tell me the value of P2. बताएं मुझे P2 की वैल्यू कितनी है. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो. सर 2.475. P2 2.475. But this ratio comes out e to the power mu theta. So 1.01. So 13.75. Something is wrong. मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे.
जस्ट चेक दिस, डिग्री को रेडियन में आपने कन्वर्ट किया उसमें मेरे को लग रहा है पाई आएगा सर, इट विल बी पाई बाय 180 हां, तभी डिग्री कैंसिल आउट होगी, इट शुड बी ई टू द पावर म्यू इनटू पाई, क्योंकि 180 तब कैंसिल होगा. सो दिस P2 is equal to P1 means 2.5. ये जो वैल्यू अब इसकी आएगी, that is coming out 2.125. चेक दिस हाँ, e to the power mu theta की वैल्यू कितनी आ रही? ये सर 2.125 आ रही है. ठीक है ना, सो आई विल कैलकुलेट दिस, सो दिस विल बिकम सर 1.176. ठीक है, 47 किलो न्यूटन इतनी आ रही है. सो P1 इज देयर एंड P2 इज देयर. So now WB is equal to 2500 newton plus 1176.47 newton, so that is equal to 3676.47 newton. ये WB है. ठीक है, चेक दिस वैल्यू. ठीक है, WB सो WB इज नोन टू अस यू है ना, WB मिल गया. सो नाउ फाइंड आउट द नेक्स्ट इज दिस है P1 प्लस P2, मतलब ये लोड मिल गया. सो अब हमें निकालना है RA RB RA एंड RD and then the moment. So RA plus RB, that is equal to 3676.47, and another equation will be take moment about this or this end. So 200 600 and 800, that is 1000. RA is equal to WB into 800, that is equal to 3676.47 into 800 by 1000, that is RA newton. Calculate karo. ये आर ए की वैल्यू आ गई. नाउ आर बी सेवन न्यूटन. जस्ट क्रॉस चेक दिस वैल्यूज, देर माइट कैलकुलेशन मिस्टेक, हो सकता है कि मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं.
ठीक है ये सर सही है. चलो ठीक. नाउ फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट. यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना और यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना. सो मोमेंट एट बी दैट इज इक्वल टू कितना होगा. दैट वी कैन फाइंड आउट कि हम बी पे एक सेक्शन ले लें, सेक्शन ले लें बी पे और उस सेक्शन पे मोमेंट ले लें. तो देयर विल बी आर ए into this distance 200, so it will be RA into 200, so that will be equal to 2941.176 into 200 newton mm, so that is coming out 588.235.2 newton mm. This is AMB vertical. याद रखना है MBV. ये आर बी वी आर ए वी है. अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. ठीक है दिस इज द एम बी वी. फाइंड आउट द एम सी वर्टिकल. सिमिलरली टेक द सेक्शन एट सी. सो यहां से लेफ्ट साइड से ले लें या राइट साइड से ले, तो आर डी इन टू 200 और RA into 800 minus WB into 600 वहां से हम निकाल सकते हैं. सो दैट यू कैन कैलकुलेट MCV as C पे सेक्शन ले दी. तो RA into 800 minus WB into 600 या और राइट साइड से करेंगे तो RD into 200 दोनों रिलेशन में यू कैन फाइंड आउट. ठीक है सो इस तरीके से निकाल सकते हो. लेफ्ट हैंड से ये सेक्शन सी पे लिया तो लेफ्ट हैंड से करेंगे तो दिस रिलेशन और राइट से करेंगे तो दिस रिलेशन. सो किसी में से भी करो द आंसर विल बी 147. निकाला था ना कल. Newton mm. This is MCV. Just cross check the values. हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. सो डोंट rely. Rely on yourself after cross checking. बता दो ये वैल्यूज सर. अपन ऊपर
आर ई भी लिख रहे हैं और सर सेकंड टर्म अपन आर बी भी लिख रहे हैं सर, उसकी जगह आर डी भी होना चाहिए ना. इट इज डी. हाँ आर डी ना, नॉट बी. रिएक्शन एट डी. जस्ट क्रॉस चेक दिस वैल्यूज. यस सर इतनी आ रही. इतनी आ रही. यस सर. ठीक है चलो. तो ये हो गया वर्टिकल लोडिंग के कारण. नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग. अब हॉरिजॉन्टल लोडिंग की बात कर लें. अगेन कैन यू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इस लोडिंग वर्टिकल लोडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना दो. This is B, B point. This is C point. तो bending moment diagram जो है will be यहाँ पे maximum होगा, यहाँ पे minimum होगा. So this is the value. This is the value. M B V और M C V ये जो value आई है, ये इस तरह से रहेगा. फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग सो दिस इज द आर ए एच एंड दिस इज आर डी एच. दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी. सो हियर वी हैव डब्ल्यू सी. ठीक है. दिस डिस्टेंस this is 600, this is 200, this is 200. Now we have to find out P3 and P4. P3 and P4. So P3 and P4. So let's find out kitna torque is puri ko mila. Theek hai? C ko. पुली बी शाफ्ट को कितना सप्लाई हुआ टॉर्क सप्लाइड टू शाफ्ट. तो वो होगा इस P1 का इस सेंटर पे मोमेंट, इस P2 का इस मोमेंट. दैट विल बी द टोटल टॉर्क. सो that is given by P1 into radius minus P2 into radius. So it will be P1 minus P2 into RB. That is the radius of pulley B. Radius of pulley B. Okay. So P1 is a 2500. P2 हमारा आया था 11.6.47 इनटू आरबी. आरबी इज इसका डायमीटर इज 500 है, सो इट्स रेडियस विल बी 250. सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 250. तो ये इट विल कम आउट 2500 माइनस 1176.47 मल्टीप्लाइड बाय 250. समथिंग इज रॉन्ग ना. हाँ ऑल क्लियर. 2500 माइनस 1176.47. Yes.
it is coming out 3308825 Nm. ये शाफ्ट में टॉर्क है, ठीक है, एंड द सेम इज ट्रांसफर टू सी, सी को भी इतना ही आया. ठीक है, सी को भी इतना ही आया क्योंकि शाफ्ट में इतना ही रहेगा तो सी पर भी इतना आएगा. तो हमें पी थ्री एंड पी फोर निकालना है. व्हाट वी हैव टू डू फॉर फाइंडिंग आउट पी थ्री एंड पी फोर, सो वन रिलेशन फॉर पी थ्री एंड पी फोर इज दिस, पी थ्री अपन पी फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा. दिस इज वन रिलेशन. वी नीड टू हैव अदर रिलेशन. सो दूसरी रिलेशन मोमेंट्स आएगी इसके, टर्निंग मोमेंट्स, दैट इज द टॉर्क. सो दिस टॉर्क टी बी that is P3 minus P4 into RC, radius of the pulley C. ये P3 into this distance, तो ये P4 into this distance, तो ये this is the P4 into this distance and P3 into this distance. इसलिए this is equal to T. So P3 माइनस पी फोर इज इक्वल टू टी बी, मतलब टॉर्क ऑन द शाफ्ट डिवाइड बाय आर सी. सो दैट इज इक्वल टू टी बी, वी हैव कैलकुलेटेड 3308825 डिवाइडेड बाय आर सी. डायमीटर ऑफ पुली सी इज 250 mm, सो इट इज 125 mm. So P3 minus P4 is equal to note, ये आएगा, this is to be divided by 2647.06. yes, 2647.06 Newton. So this is one relation and this is another relation. So using these two relation determine P3 and P4. So ये क्या हो गया, another one is P3 upon P4 is equal to e to the power mu theta. ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं. एंगल इज 180 डिग्री, इसका एंगल भी 180 डिग्री कहूंगा, कॉन्टेक्ट है क्योंकि हॉरिजॉन्टली ड्राइव कर रहा है. सो दिस एंगल इज 180. तो ये हमारा हमने निकाला था P1 upon P2 is equal to E to the power mu theta से, तो वो रेशो था 2.125, यहीं कहीं लिखा था ना. अब ये रिलेशन है, P3 माइनस P4 इतना है और P3 अपॉन P4 इतना है. सो व्हाट यू विल डू कि यहां से P3 की वैल्यू ले लो, इट विल बी 2.125 टाइम्स P4, और ये इसमें पुट कर दो, हमें जो मिलेगी वैल्यू P3 की जगह इतना रखेंगे, सो 2.125 P4 माइनस पी फोर इज इक्वल टू 2647.06 न्यूटन. सो पी फोर इंटू 1.125 इज इक्वल टू 2647.06 न्यूटन, और पी फोर इज इक्वल टू 2647.06 डिवाइडेड बाय 1.125 न्यूटन. So P4 is coming out 2352
0.94 न्यूटन, ये हो गई हमारे P4 की वैल्यू. सो P3 इज 2.125 टाइम्स P4, तो 2.35 2.94 इनटू 2.125, तो ये आ जाएगा सिक्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5,000. So it is 5,000 newton. P3. Now P3 and P4 known. So WC is equal to P3 plus P4 plus self weight. So self weight neglected. So it will be 2.94 plus 5,000. So that is equal to 7,352.94. This is WC. ठीक है, करेक्ट है? और नीड टू हैव समथिंग एल्स? WC चेक करो. यस सर, सही है. चलो तो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स कैलकुलेट मोमेंट. सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इन हॉरिजॉन्टल लोडिंग में, तो बी पे हम सेक्शन ले लें, यहां सेक्शन ले लें, तो इधर से देखेंगे तो आर ए एच इंटू दिस 200, और इधर से हम लेंगे तो आर डी एच इंटू 800 माइनस डब्ल्यू सी इंटू दिस. सो एनी वे आर ए एच इंटू 200. सो आर ए एच इज, हमने कैलकुलेट किया क्या आर एच? नहीं, नहीं किया है ना. और एम सी एच, तो विल टेक द मोमेंट हियर, यहां पे ले लो, तो आर एच इंटू 800 जो है दिस विल बी द मोमेंट इन हियर. आर एच इंटू 800 या आर डी एच इंटू 200 जो भी, तो उसके लिए हमें आर एच निकालना पड़ेगा और आर डी एच निकालना पड़ेगा, तो वो निकालते हैं. चलो आर ए एच प्लस आर डी एच इज इक्वल टू 7,352.94 न्यूटन. मोमेंट एट डी और मोमेंट एट ए पॉइंट कहीं भी निकाल लो, तो 1,000 इंटू आर ए एच इज इक्वल टू कितना? डब्ल्यू सी इंटू 200. सो आर ए एच इज इक्वल टू डब्ल्यू सी इंटू 200 अपॉन 1,000 न्यूटन में आएगा. सो इट इज 7,352.94 इंटू 200 अपॉन 1,000 न्यूटन. So 7,352.94 into 200 divided by 1,000. So it will, it is coming out 1,470.588 newton RAH. And R D H, so minus 7,352.94. So that is coming out 5,882.94.
0.352, ठीक है, तो ये आरडीएच आरएच, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, एमबीएच जो निकलेगा 70.588 इनटू 200 294 टी आर है 294 117.6 न्यूटन एमएम मूल्य आएगा 1176.470.4 न्यूटन ठीक है The bending moment diagram will be like this. This is A, this is B, and this is C, and this is D. It is maximum at this point. This and this. This is M, C, H. This is M, B, H. तो रिजल्टेंट तो वी हैव टू फाइंड आउट resultant bending moment at B and resultant bending moment at C. So this is equal to square root of MBH ka square plus MBV ka square. Ye hoga MCV ka square plus MCH ka square. Nikal lo to. एम बी एच तो ये रहा 294.117.6 का स्क्वायर प्लस एम बी वी एम बी वी 588.235.2 का स्क्वायर और MCH और MCV 1470.58.8 का स्क्वायर प्लस MCH सो दिस इज MCH 1176.470.4 तो MB इक्वल टू और MC इज इक्वल टू बताइए कितना आता है
न्यूटन एमएम न्यूटन वैल्यूज जस्ट क्रॉस चेक दिस एमबी एंड एमसी रिजल्टेंट सर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्या आ रहा है सर एम बी आ रहा है 6576666.23 6576666.23 हाँ ठीक है ओके चले सर ये आ रहा है 11856255.53 हाँ ठीक है ओके इट डजंट मैटर इतना ठीक है So with now, where is at which point the bending moment is highest? So let's see. At C, ठीक है ना? So this is maximum. So C is the highest point of loading, ठीक है ना? So Our M becomes MC. That is 11,85,625.45 newton mm. And torque. Torque is same in the shaft, B or C कहीं पर भी. So this is equal to कितना हमने calculate किया था? 33088.25. 330 था ना उसी रहा. It is 330882.5 newton mm. ठीक है. So M and T दोनों मिल गए. Now use the relation. So you can find out ME or TE, है ना? So TE will be 5/16 tau. DQ or TE, this is equal to TE is what? M square plus T square. Now, what will be your tau? Okay, tau kitni hogi? So 66.67 newton per mm square. Yes, 66.67 newton. पर एमएम स्क्वायर ठीक है सो व्हाट विल बी डी कमिंग आउट देखो टाउ हमने निकाली है टाउ इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ दी है यील्ड स्ट्रेंथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो इट इज अ प्लेन कार्बन स्टील इज देयर So it is 0.5 times yield strength divided by factor of safety. That is tau. और जो sigma t होती है, sigma t कितनी होगी? That will so 133.33. Yield strength divided by FOS. So it is yield strength divided by factor of safety. So using this. You can find out TE or ME find out कर लोगे तो वहां से भी जो है वो D निकल जाएगा on that basis also है ना यहाँ से tau मिल गया और sigma T आपका इसका जो है two times कर लेंगे तो sigma T आ जाएगा और you can find out ME so it is 1/2 into m plus square root of this now just tell me the D the value है आपके पास में D बता दो कितना है आपका What is the value of D from this criteria? And what is the value of D using this criteria?
बता जल्दी से। सर 45.47 आरआईटी मीटर। 45.47 टी इक्विवेलेंट वाली रिलेशन से ना? यस सर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरीज, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरीज है। सर सर वी गॉट द लिंक फॉर नेक्स्ट क्लास। हाँ जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ डी। सर 45.19। 45.19 ठीक है। So this is the minimum, this is the minimum, so the next higher one will be the standard value is my table mein se we can find out, that may be 46 or 48 mm jo bhi ho, so that will adapt. Theek hai, so samajh mein aaya kaise problem solve karna hai? So this is the procedure on strength बेसिस पर। ठीक है, अब वो टॉर्शनल रिजिडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी तो एक दो प्रॉब्लम हम और कर लेंगे, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो यू डू वन थिंग, रोल नंबर एंड नाम टाइप कर दो फटाफट चैट बॉक्स में एंड यू कैन ज्वाइन योर अदर क्लास।